सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस का मांगा चैप्टर 1043 ना अनऑफिशियल साइट्स पे रिलीज हो चुका है और ये वाला वीडियो ना तुमको कल ही देखने को मिल जाता पर आज देखने को मिल रहा। रीजन मैंने कम्युनिटी टैब पे दे दिया है और जिसने कम्युनिटी टैब नहीं देखा जाके अभी देख लो यार। खैर जो कुछ भी हो, इस बचे हुए टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने मेरे उन वीडियोस को देखा जिस पर मैंने चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाए थे और वहां पर देखने के बाद प्लस दोस्त ने भी सजेशन दिया और वो देखने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज किया कि भाई मैं इतने टाइम से जो चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाता था, मैं चैप्टर रिव्यू तो लिखता था पर वो कभी चैप्टर रिव्यू था ही नहीं। मैं चैप्टर रिव्यू के नाम पे वही चीज बताता था जो चैप्टर पे चीजें चल रही है। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से गलत है। बिकॉज जब मैं चैप्टर रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना चाहिए कि चैप्टर कैसा था। मैं वो चीज बताने के बजाय मैं चैप्टर में क्या क्या चीजें हुई उसी के ऊपर मैं रहता था। प्लस एक चीज मेरी ऑडियंस, तुम लोग एक बात समझ लो, रिव्यू और एक्सप्लेन में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मैं यार हमेशा यार इस चीज पे मैं गड़बड़ा जाता था, मैं हमेशा गलतियां करता था, मैं एक्सप्लेन कर देता था रिव्यू के नाम पे, तो उस चीज को मारते गोली। और एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं आज से कभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट हाँ तुम लोग को अगर डाउट रहेगा मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के जरूर समझाऊंगा, ये याद रखना। प्लस मेरी जितनी भी ऑडियंस है उसमें से 80% ऑडियंस सब मांगा रीडर है। अब तुम लोग मांगा रीड करते हो मतलब तुमको मांगा समझ में आता है, तुम लोगों को मांगा में क्या हुआ वो चीज समझ में आया है, तुम ये वीडियो क्या देखने के लिए आते हो, चैप्टर का रिव्यू, चैप्टर कैसा था। तो आज से मैं तुम सबको चैप्टर का रिव्यू दूंगा ना कि एक्सप्लेन दूंगा। तो अब चैप्टर के रिव्यू की बात करते हैं। भाई अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि एक परफेक्ट चैप्टर क्या होता है, ये जो चैप्टर था ना ये एग्जांपल है उसका। भाई इस चैप्टर में क्या नहीं था, एक्शन था, हाइप मोमेंट थे, स्टोरी अच्छी खासी थी और जिस हिसाब से यहाँ पर चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले सब यार टॉप नॉच। मैं इस चैप्टर को अगर 10 out of 10 दूंगा ना तो भी कोई उंगली नहीं उठाएगा बिकॉज ये चैप्टर डिजर्व करती है। यहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी चीजें यार देखी ना, इस चैप्टर पे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई भाई, फुल ऑन बवाल था। बाकी सब चैप्टर में 1, 2, 3 देखने को मिलते, यहाँ का जो एक हाइप मोमेंट ही था ना वही बहुत ज्यादा काफी था यार उन सभी चैप्टर्स को वन शॉट करने के लिए। प्लस आज से पहले जब भी हमें नरेटर किसी को विनर घोषित करता था, तुम देखना मैं हमेशा यार शिकायत करता था कि ये जीत गया, मतलब फील नहीं आता था यार। पर इस बार जो नरेटर ने विनर घोषित किया ना, जिस हिसाब से इस बंदे को विनर घोषित किया भाई, लग रहा था ओडा हमें बता रहा था ये बंदे की औकात कितनी है, इसको हराने के लिए इतना काफी नहीं है, तुम्हें और ज्यादा करना पड़ेगा। और शायद लूफी इस चैप्टर के एंड वाले पैनल पे कुछ नया ट्राई कर रहा है। अब बहुत लोगों को ये चीज अवेकनिंग नजर आ रही है, मैं इस बात पे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं बस वेट कर रहा हूँ वो क्या निकलता है। यहाँ पर मुझे ना एक और चीज बहुत ज्यादा मतलब हाइप मोमेंट मेरे को लगा, भाई ये बंदा जीत चुका है, योंको है, पर ये जब कहता है ना मैंने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मार दिया, हर बंदा शॉक में था पर एक कैरेक्टर ने यकीन नहीं किया। जिसने चैप्टर रीड किया है उसको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसने कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो मर नहीं सकता। और ये बात सुनने के बाद जिस हिसाब से वो भी गुस्से में आकर के अटैक करता ना, अगर वहां पर वो नहीं आता ना उसका मरना तय था। ये बहुत सारे मोमेंट्स यहाँ पर हुए जो हमें जो है इस चैप्टर को दिखा रहा भाई कि ये चैप्टर अब तक का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर में से एक है वन पीस का, जिस हिसाब से ओडा ने ड्रॉ किया है, चाहे वो कवर पेज हो, चाहे वो स्टार्टिंग का पेज हो, चाहे वो लास्ट का पैनल हो, चाहे वो मिडिल का पेज हो, भाई फुल ऑन चैप्टर बवाल था। आई होप कि तुमने चैप्टर रीड कर लिया है, अगर चैप्टर रीड नहीं किया ना भाई इंस्टाग्राम पे मिलो, मैं तुमको लिंक देता हूँ, मुझे बस मैसेज करो, आरवीएस एनिमे हिंदी जाके सर्च करना इंस्टाग्राम पे, मेरा चैनल का ही लोगो है। और अगर तुमको उसमें भी दिक्कत हो रहा है डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का मेरा लिंक दे दिया है, तुम लोग जा करके मुझे डीएम करो। खैर जो कुछ भी हो, यही था आज का मेरा चैप्टर का रिव्यू। चैप्टर फुल ऑन बवाल था, 10 out of 10 दूंगा। आज से मैंने कभी भी वन पीस के किसी और चैप्टर को 10 out of 10 नहीं दिया है, लेकिन आज मैं दे रहा हूँ बिकॉज ये डिजर्व करती है। और आई होप कि फ्यूचर में और हमें ऐसे चैप्टर देखने को मिले जिसे मैं इस तरह की रेटिंग दूं। प्लस ब्रेक है नेक्स्ट वीक, मतलब यार तुमको थ्योरी वीडियोस ज्यादा देखने को मिलने वाली है, तो थ्योरी के लिए एक्साइटेड रहना यार। प्लस वीडियो अगर तुमको पसंद आया, मेरा ये रिव्यू पसंद आया जो मैंने नया ट्राई किया, तो वीडियो को लाइक मारो। और अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो और ऐसे ही वन पीस के यार चैप्टर के रिव्यूज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो यार। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।